नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल स्वराज हम इंद्री के खेड़ी मानसिंह गांव में पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा परिवार किस तरीके से यहां पर रोता हुआ नजर आ रहा है। और खास तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनके परिवार का एक सदस्य 16 दिसंबर से गायब है, जिसके बारे में कुछ अता पता नहीं चल पा रहा। परिवार ने काफ़ी रोकर हमें फ़ोन किया, काफ़ी ज़्यादा ये परेशान थे, इस वजह से iBN24 की टीम यहाँ पर पहुंची। आप देख सकते हैं मनोज वर्मा उनका नाम है, जिनकी तस्वीर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये तस्वीर मनोज वर्मा की बताई जा रही है, जो सुनार का काम करते हैं अपने इसी गांव में खेड़ा मानसिंह में। 40 साल के आसपास की इनकी उम्र है और इनकी माँ आप देख सकते हैं उस तरफ मंजी पर हैं, जिनकी हालत जो हमें बताई है सुनकर हमें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। पैरालाइज हैं उनको और सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं पत्नी है, उनकी पत्नी भी काफ़ी ज़्यादा अभी भावुक हैं, रो रही हैं। पिछले कई दिनों से उनके गोद में जो ये छोटी सी गुड़िया है, मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगी कि 2 महीने पहले इन्होंने इस गुड़िया को अडॉप्ट किया। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सपने देखे थे कि आने वाला साल इनके लिए बेहद खुशियों भरा होगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हमें जो बच्चा हमारे घर नहीं हुआ था, जो बच्चे की खुशियां हमें नहीं मिली थी, अब बच्चे को क्योंकि इन्होंने अडॉप्ट कर लिया तो उसके बाद ये परिवार पूरा हो चुके और उसके बाद परिवार में खुशियां आएंगी। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इनके घर का जो सदस्य है, जो मुखिया है मनोज वर्मा, वो अचानक से कहीं चले जाएंगे, जिनके बारे में कुछ अता पता नहीं चल पा रहा। उनकी बहन भी आप यहां पर देख सकते हैं काफी रोती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये अपील रहेगी कि इस खबर को देखने तक सीमित मत रखिएगा। जितने भी लोग इस खबर को देखेंगे इसे जरूर शेयर करेंगे। सबसे पहले पत्नी से बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका? पिंकेज। जी, दिनदारी का चक्कर ज़्यादा हो गया था, कोरोना काल से पहले के सही थे उनके पास, जो को देने पास काम देने के चक्कर में ज़्यादा उठा रही है। हाँ जी, उनको पता है कि इस हालत में है, वो समझने की कि उनका बेटा भी घर नहीं। हाँ जी, वो समझ सकती हैं जी। तो जी, काम देने के चक्कर में उन्होंने पैसे पर पैसा उठाते चले गए, तो वो डिप्रेशन में आ गए जी बहुत ज़्यादा। तो हाँ जी, तो जब से कहीं वो आए ही नहीं है जी। किसी ने 8-10% लगाना शुरू कर दिया, ब्याज भी 8-10% लगाना। जैसे मेरा कांता रानी, आप कहाँ रहते हैं? इंद्री में रहती हूँ। जिससे वो डिप्रेशन में होते ना, ब्याज भुगतता भुगतता ऐसे अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में सुनार करते हैं, अपनी इज्जत बचाने में और दूसरे ग्राहकों की इज्जत में, जिससे उसका लेन देन बढ़ गया। देनदारी थी, देनदारी ज्यादा बढ़ गई उसकी, और लेना भी है उसने, ऐसी बात नहीं गांव से, अपने ग्राहकों के बहुत रखता था, सबका ध्यान रखता था, जिससे उसकी ज्यादा टेंशन डिप्रेशन में ही चले गया हो, इतनी हालत खराब होगी इसकी। तो घर पे कभी रोए हैं वो, परेशान रहते थे ऐसा? हाँ जी, नहीं ऐसे इतनी टेंशन किसी को पता ही नहीं था, इतना कुछ बाद में खुल के आप तो पत्नी आपसे कभी साझा की हो कोई बात? बस ये बोलते थे कि मैंने उसका काम देना है, उसका काम देना है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं, इसके पैसे देने, उसके पैसे देने, कोई किसी तरह का इससे ज्यादा कुछ नहीं, कोई आबदारी नहीं है जी बिल्कुल भी, एक पैसे की सीधा शरीफ है। कितना टाइम हो गया मैडम आपकी शादी को? मेरे को जी 10-13 साल हो गए जी। गुड़िया आपने अभी अडॉप्ट की? हाँ जी, अभी। सपने देखे होंगे कि आप दोनों अब हस्बैंड वाइफ मिलकर इसे पालेंगे, इसको बड़ा करेंगे। बहुत खुश थे जी, वो पहले बहुत खुश थे, पर टेंशन में इतने आ गए तो वो चले गए जी, कोई नहीं है। मैं खुद भावुक हो रही हूँ और सबसे ज्यादा जो भावुक के पल हैं, देखिए माँ है, माँ माँ अपनी माँ की बहुत सेवा करते थे, किसी भी गांव वाले से पूछ कर सभी से पूछ लो, बहुत इसके मंजे पर मक्खी तक से ये मंजे पर, ये 10 साल से हो गया जी, 10 साल से। हाँ जी, बहुत सेवा करते हैं, रात को दिन को भी, दोनों ये भी, उनकी आंखों में आंसू है। हाँ, ये देखो इसकी हालत ऐसी नहीं थी, उसके होते हुए ऐसी नहीं थी। क्या लगता है देनदारी की वजह से कहीं वो मतलब कहीं छुपे होंगे, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? नहीं, देनदार की वजह से वो तो दे रहे थे, डिप्रेशन की वजह से ही गए हैं ये, जहाँ भी हो मानसिक तनाव बहुत ज्यादा था, मानसिक तनाव की वजह से। अगर आपके भाई ये वीडियो देखें, उनको कोई मैसेज करना चाहेंगे? बस जा भैया, मैं नहीं कहती, जा भी हो अपना सही सलाम से अपने घर आ जा, मिल बांट के, मिल बांट के सब कुछ तेरा से मुझसे कल करेंगे जरूर, पर तो ऐसे ऐसा कोई कदम ना उठाइए। तो कब से ये दिक्कत चल रही थी? कोरोना काल से? मतलब कोरोना काल से ही थी, जब पहले पिछले कोरोना लगा था ना, उसी में उसका रेट ज्यादा बढ़ गया, उसने साइया कुछ ली हुई थी कम रेट पे, वो ज्यादा हो गया। लेकिन किसी से रिक्वेस्ट भी मेरा इतना भी होता नहीं है, कुछ मान्य कुछ नहीं मान्य होंगे, तो उसने ऐसे मर्द समस्या का हाल अब पता चल रहा है ना,
पहले वगैरह अपना आपका? हाँ जी अपना ही लिया था उसने, फिर उसने कुछ से पैसा ब्याज पे उठाना पड़ गया, तो उठाने में वही है जैसे कुछ कम ब्याज किसी ने लगाया नहीं होगा, ज्यादा रेट लगा दिए जिससे ब्याज पर ब्याज बढ़ता चले गए उसका। उसमें फिर वो ब्याज ही देवे ग्राहक का सामान देवे। पुलिस को कंप्लेंट की आपने? क्योंकि 16 दिसंबर अब तो 18 दिन हो गए। हाँ जी करी थी पुलिस से भी, अभी तो कोई तो फोन वगैरह लेकर गए थे वो अपने साथ? फोन है तो उसका सोचो भी आता है, फोन वगैरह लेकर गए थे? हाँ जी फोन उनके पास है, पर फोन बंद है जी उसी दिन से, 16 तारीख से बंद। 16 तारीख किस बजे निकले और क्या कहकर निकले घर जी? वो शाम को ही निकले थे, दोबारा आए नहीं, मेरे को कुछ बोल के भी निकले। जो जानकारी है कि दुकान तो आपके घर में ही है, तो मतलब कहीं बाहर तो वो जाते नहीं? हाँ जी हाँ जी, बस ये किसी का सामान देना तो था तब भी बाहर जाते थे, वैसे नहीं बाहर जाते थे। आपसे कुछ आखिरी बार कुछ कह के गए घर से निकले? जी बिल्कुल भी कुछ बोला नहीं है मेरे को उन्होंने, ऐसे ही निकल गए। नहीं बच्ची का ध्यान रखना, बच्ची को देख कर? नहीं नहीं कुछ भी नहीं बोला उन्होंने मेरे को, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो और किसी बात से वो परेशान? नहीं जी और किसी बात लड़ाई झगड़ा? नहीं जी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बस जी देने के चक्कर में ही चले गए जी, वो डिप्रेशन में बहुत ज्यादा आ गए थे। तो कोरोना काल में लगाया गया जी ब्याज, 10% ब्याज मैंने रखा है भी नहीं कही, 8% 10% इन चक्करों में उसकी मजबूरी थी पैसा लेना, कहीं से उसको मिले? गाँव में से उधार भी नहीं निकली, और गाँव में से उधार नहीं निकली उसकी। कर्जे के चक्कर में ये मकान बेच दिया जी। आप कौन है सर? मैं जी जोन का जी। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। आप कहाँ रहते हैं? इंद्री जी। तो कर्जे के चक्कर में मकान बिक चुका है मैडम जी। ये जिस मकान में हम खड़े हैं वो बिका हुआ जी, अब रोड पे हैं जी हम तो, ये मकान बिक चुका है। बाकी क्या क्या लगता है मनोज जी कहाँ होंगे अभी? मैडम ये पता होता तो क्या बात थी, ढूंढा होगा आपने फिर भी? जहाँ से फोन आता है, जहाँ सारे जाते हैं रिश्तेदारी में दाएं बाएं, जहाँ पीछे नहर पे शव मिला था वहाँ भी जा गया। डर लगता होगा सर अंदर से? वहाँ भी जा गया जी मैं, समझ सकती हूँ मैं आपका दर्द, पर वही है ना, क्या कर सकते हैं बताओ जी। कोरोना काल में दोस्तों बहुत लोगों की जिंदगियां एक तरीके से बर्बाद हुई हैं, बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, और यहां पर भी एक ऐसा ही परिवार है जो कोरोना काल से परेशान चल रहे हैं। लेकिन इनके परिवार में जो एकमात्र कमाने वाला एक व्यक्ति मनोज वर्मा, वो इनके घर से अब जा चुका है। तो परिवार जो उनकी माता है, छोटी सी ये देखिए गुड़िया, जिस बच्ची ने अभी ठीक तरीके से अपने पिता को देखा भी नहीं, अपने पिता को महसूस नहीं किया, जिस बच्ची ने अपने पिता के साथ बहुत कुछ करना था, वो बच्ची ढूंढ रही है कि कब मेरे पिता मेरे घर वापस आ जाएंगे। और इसी की खुशियों के लिए दोस्तों इस खबर को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को देखें और इसे शेयर ज़रूर करें, वो जहाँ कहीं भी हों वो इस खबर को देखें या कोई उन्हें यह खबर दिखाए, ताकि वो अपने घर लौट कर अपने परिवार वालों के लिए वापस आ जाएं। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।